हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 8 सितंबर 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो बेसिकली एक नेवल एक्सरसाइज के बारे में है। तो कौन सी नेवल एक्सरसाइज है और कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में होती है, ये चीज़ थोड़े फैक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यूपीएससी कई बार मैच द फॉलोइंग में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है, जैसे कि आज जो एक्सरसाइज के बारे में है वो है बेसिकली सेलेनेक्स एक्सरसाइज 2018 के बारे में। तो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ये जो एक्सरसाइज थी इसका जो एडिशन है वो अभी एक्चुअली श्रीलंका के द्वारा होस्ट वो किया गया था, तो ये फैक्ट हमें ध्यान है और रखना है। देखो, बेसिकली इंडिया की काफ़ी सारी नेवल एक्सरसाइज हैं, आर्मी एक्सरसाइज भी होती हैं, इसके साथ एयरफोर्स की एक्सरसाइज भी होती हैं। तो हमें सारी की सारी रटने तो नहीं बैठना है, बट हमें ये करना है कि जो भी एक्सरसाइज होती है ना, एक बार तो करंट से जो कनेक्ट है उनको हमें ध्यान रखना है, और इसी के साथ ही जिस कंट्री के साथ हमारे रिलेशन चल रहे हैं, जैसे कि मिलन एक्सरसाइज पिछले साल काफ़ी न्यूज़ में थी। क्यों? क्योंकि मिलन एक्सरसाइज थी, उसके अंदर मालदीप ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो वो चीज़ सुर्खियों में थी, तो वहाँ पे क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे इफेक्ट्स हैं वो थोड़े हमें एग्जाम में ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होता है। तो हम कुछ और एक्सरसाइज हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में होती है नेवल एक्सरसाइज, उनके बारे में एक बार हम थोड़ा पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिस्ट है, आप देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो एक्सरसाइज होती है इंडिया की, वो दो नामों से है। एक तो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, वो है आसुडेन एक्स, और दूसरी है काकाडू। जो काकाडू का जो अभी एडिशन है वो रिसेंटली मतलब कंप्लीट है वो होता है, उसको लेके न्यूज़ भी आई थी। तो दोनों एडिशन हमें ध्यान है वो रखने हैं। ऊपर वाले नाम से तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओबियसली AUS है, ऑस इंडेक्स है, तो नाम से समझ में आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की एक्सरसाइज है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे काकाडू का हमें पता नहीं चलता कि काकाडू किस चीज़ के बीच में है, और ये ध्यान रखना कि जो काकाडू एक्सरसाइज है वो अकेले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नहीं है, इसमें और भी काफ़ी सारी कंट्री हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्राज़ील के साथ, तो ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका दोनों कंट्री के साथ इप्समार एक्सरसाइज है वो इंडिया के है वो की जाती है। ये ध्यान रखना, ये यहाँ पे अभी जो हम एक्सरसाइज देख रहे हैं वो सिर्फ और सिवल नेवल एक्सरसाइज है, मतलब नेवी के द्वारा जो एक्सरसाइज की जाती है उनको बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस है वो कर रहे हैं। तो इप्समार में तीन कंट्री हैं, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। इसके बाद इंडिया और ब्रूने के बीच की जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली वो है AIDMM प्लस, इसमें और कंट्री भी पार्टिसिपेट करती हैं। इतनी न्यूज़ में नहीं है तो ज़्यादा कुछ रखने की ज़रूरत आपको फिलहाल नहीं है। अगर न्यूज़ में हो, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हो, हाईलाइट्स वगैरह कुछ आए, तब इम्पोर्टेंट हो जाती है। इंडिया की फ्रांस के साथ एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के साथ फ्रांस के रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर ये चीज़ आती है। इंडिया और फ्रांस की नेवल एक्सरसाइज है वो है वरुणा, तो ये चीज़ हमें ध्यान है वो रखनी है। इंडोनेशिया के साथ भी इंपॉर्टेंट होती है, एक तो है इंडो कॉर्पोरेट और एक है इंडो बैलेट और एक है, ये ध्यान रखनी है तीसरी, कोमोडो। ये कोमोडो का थोड़ा पता नहीं चलता कि किस किस के बीच में, ऊपर वाले से नाम से पता चल जाएगा, तो ये फैक्ट थोड़ा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। फिर चलते हैं मलेशिया के साथ, तो मलेशिया के साथ रिसेंटली कुछ ऐसा है नहीं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार नाम हमें देखते हुए आगे बढ़ना है, ARFDRX एक्सरसाइज। इसके बाद में आती है म्यांमार के साथ, तो म्यांमार के साथ भी कुछ इतना न्यूज़ में है नहीं, तो म्यांमार के साथ बेसिकली जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंडिया की जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है म्यांमार के साथ उसका नाम क्या है। बेसिकली ओमान के साथ इम्पोर्टेंट है, नसल अल बहर, नाम से ही पता चल जाता है कि ओमान के साथ है, ओबियसली थोड़ा अरबिक नेम है, तो नसम अल बहर एक्सरसाइज है वो ओमान के साथ इंडिया की नेवल एक्सरसाइज है। इसके बाद में बात आती है रसिया की एक्सरसाइज है वो है इंदिरा। देखो, इंदिरा जो भी एक्सरसाइज है वो बेसिकली रसिया के साथ है। इंदिरा के अलग अलग एडिशन है, नेवी का एडिशन अलग है, इसके साथ ही और एडिशन हैं, आर्मी का अलग है, एयरफोर्स का अलग है, बट इंदिरा नाम वाले बेसिकली एक्सरसाइज हैं वो रसिया के साथ हैं। तो यहाँ पर थोड़ा आपको मौका है मतलब समझने का मिल सकता है, तो एग्जाम में काफ़ी सहूलियत हो जाती है, तो ऐसे फैक्ट्स हमें ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। इसके बाद में बात आती है सिंगापुर के साथ, तो सिंगापुर वाली एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है सिम्बेक्स एक्सरसाइज है, वो इंडिया और सिंगापुर के बीच में नेवल एक्सरसाइज है, ये ध्यान में रखना है। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में है वो है सेलेनेक्स, जिसका एडिशन अभी रिसेंटली किया गया था, श्रीलंका के द्वारा होस्ट है वो किया गया, तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। इसके साथ एक एक्सरसाइज और है जिसका नाम है INSLNSF एक्सरसाइज, जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में नेवल एक्सरसाइज के तौर पर जानी जाती है। इसके साथ ही एक दो एक्सरसाइज और भी, जैसे कि थाईलैंड के साथ है वो है इंडो थाई कॉर्पोरेट बाई एन वाला है, तो ये थोड़ा नाम से पता चल रहा है, तो इतना कुछ मतलब UPSC ऐसे नाम वाले डायरेक्ट नहीं पूछने वाली है। इसके बाद में UK के साथ जो एक्सरसाइज होती है यूनाइटेड किंगडम के साथ, वो भी हमें ध्यान है वो रखनी है, वो कोंकण एक्सरसाइज। तो कोंकण एक्सरसाइज है वो इंडिया की नेवल एक्सरसाइज है, वो यूनाइटेड किंगडम के साथ मतलब UK के साथ है, ब्रिटेन के साथ है वो है, तो ये नाम ध्यान में रखना है। और मालाबार एक्सरसाइज किस किस के बीच में है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मालाबार एक्सरसाइज है वो कौन कौन सी कंट्री के बीच में है वो की जाती है, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो अब हम चलते हैं आगे,
अगली जो हमारी न्यूज आई है वो आई है WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन के बारे में। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन है क्या। देखो WHO ने ऑल ओवर वर्ल्ड को क्या है कि 6 भागों में डिवाइड कर रखा है ताकि उनको ढंग से उनकी हेल्थ वगैरह उनको मॉनिटर वगैरह किया जा सके, उनके लिए पॉलिसी वगैरह बनाई जा सके। तो जो अभी साउथ ईस्ट एशिया रीजन है वो एक्चुअली आपको बता दूं कि WHO का सबसे पहला रीजन है। मतलब WHO ने जब रीजन डिवाइड किए थे ना तो सबसे पहला रीजन बना था वो बना था साउथ ईस्ट एशिया रीजन ही बना था। बेसिकली से 1948 में बनाया गया था। 11 कंट्रीज के मेंबर हैं, तो यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री मेंबर है ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पाकिस्तान इसका मेंबर है नहीं है। तो यहाँ पे पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है क्योंकि पाकिस्तान बेसिकली साउथ ईस्ट में यहाँ पे इसमें शामिल बेसिकली नहीं है। 11 कंट्री में एक तो होती है बांग्लादेश, भूटान, कोरिया, इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और तिमोर लेस्ट हैं। तो ये कंट्रीज हैं, ये बेसिकली जो साउथ एशिया में आती हैं और ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज आती हैं वो बेसिकली इसके मेंबर हैं। तो ये फैक्ट थोड़ा ध्यान में रखते हुए आगे चलना है हमें। इसके साथ ही हम यहाँ पे देखते हैं कि इस एक्सरसाइज सॉरी ये जो WHO का साउथ ईस्ट एशिया रीजन है इसका बेसिकली काम क्या होता है। देखो बेसिकली इसका काम यही है कि एक तरीके से लीडरशिप प्रोवाइड करवाने का माहौल तैयार देता है क्योंकि हेल्थ और जो टेक्निकल सपोर्ट बहुत जरूरी है इस रीजन में। क्योंकि एशिया का जो साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है इसमें काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ वगैरह फैलती रहती हैं, तो इस सेंसिटिव एरिया हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा रिसर्च की जरूरत होती है और हेल्थ के लिए रोल देना होता है। इसके साथ ही टेक्निकल सपोर्ट भी जरूरत होता है, तो वो बेसिकली इस रीजन के द्वारा प्रोवाइड है, वो करवाया जाता है। मेन बात ये है कि हेल्थ को इंप्रूव करने के ऊपर इसका फोकस है पूरा पूरा वो रहता है। अब चलते हैं कंटेक्स्ट पे जहां पे क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे पूरे हो जाते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि WHO का जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है इसके अभी जो रीजनल डायरेक्टर हैं साउथ ईस्ट एशिया रीजन के वो रीइलेक्ट हुए हैं इंडिया से, जिनका नाम है पूनम खेतरोपाल। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि पूनम खेतरोपाल हैं वो बेसिकली WHO के साउथ ईस्ट रीजन के दोबारा से प्रेसिडेंट के तौर पे या जनरल डायरेक्टर हैं वो अपॉइंट हैं वो हुए हैं। 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। लास्ट टाइम पे 2014 से अपॉइंट हुए थे, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है 2014 से 2018 और अब ये 2019 से इनका कार्यकाल है वो आगे और कंटिन्यू रहेगा। तो ये कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, UPSC इसके बारे में पूछ सकती है कि रिसेंटली अपॉइंटमेंट वगैरह के बारे में। तो ये फैक्ट हमें ध्यान रखना है कि जो पूनम खेत्रोपाल है वो बेसिकली WHO के साउथ ईस्ट एशिया रीजन की हेड है, वो दोबारा इलेक्ट है वो की गई है। तो ये फैक्ट हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है अटल पेंशन योजना के बारे में। कंटेक्स्ट कुछ खास नहीं है, कंटेक्स्ट बेसिकली यही है कि गवर्नमेंट अटल पेंशन योजना है इसको वापस से रिन्यू है वो कर रही है क्योंकि 2018 में ये खत्म होने वाली थी पर गवर्नमेंट इसको आगे कंटिन्यू है वो कर रही है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि अटल पेंशन योजना कौन सी पुरानी स्कीम को रिप्लेस करके बनाई गई थी। देखो पहले एक स्कीम थी जिसका नाम था स्वावलंबन स्कीम जो कि पेंशन स्कीम थी, इसी स्कीम को बाद में रिप्लेस किया गया था 2015 में और नई पेंशन स्कीम लाई गई थी जिसका नाम था अटल पेंशन योजना। यह जो अटल पेंशन योजना है ये बेसिकली सोशल सिक्योरिटी के लिए एक पेंशन योजना है, सोशल सिक्योरिटी के लिए बेसिकली स्कीम है वो लॉन्च हो की गई है और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आती है। तो ये फैक्ट हमें ध्यान रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री आती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत बेसिकली ये आती है। तो ये फैक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे हो जाता है। काम क्या है इसका, देखो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मतलब देखो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर तो वो हो गए कि जैसे कि कोई भी ऑफिस वगैरह में लोग जॉब कर रहे हैं तो उनकी तो वैसे पेंशन वगैरह फिक्स होती है, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जॉब कर रहे हैं या फिर कोई भी प्राइवेट बिजनेस है उनका खुद का, मतलब एक तरीके से उन्होंने कंपनी वगैरह बना रखी है तो वहाँ पे तो उनकी क्या है कि सोशल सिक्योरिटी ऑलरेडी होती है क्योंकि उनके सारे जो PF फंड वगैरह होते हैं वो सारे सेट किए होते हैं। बट जो इन्फॉर्मल सेक्टर हो गया, इनफॉर्मल सेक्टर में क्या है कुछ भी फिक्स नहीं होता है, मतलब जैसे किसी लोग ने अपने घर में झाड़ू बनाने की मतलब बिजनेस खोल लिया है, किसी ने अपने घर के अंदर कोई छोटा मोटा प्लेट वगैरह बनाने का बिजनेस खोला है, तो ये हो जाते हैं ऐसे इनफॉर्मल सेक्टर। और इस इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए बेसिकली अटल पेंशन योजना है वो लाई गई थी, ये चीज़ हमें ध्यान है वो रखनी है। तो ये बेसिकली किसके लिए है कि जो अनऑर्गेनाइज वर्क फोर्स है हमारे देश में, जो कि लगभग 80% के आसपास जो हमारे देश में लेबर फोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम है वो करती है, मतलब उनके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं होती है, वो अपने घर पे अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं या फिर अपना घर का छोटा मोटा बिजनेस बना लेते हैं। तो उनके लिए सोशल सिक्योरिटी के लिए अटल पेंशन योजना है वो लॉन्च की गई थी। ध्यान रखना है कि सभी नागरिक के लिए, हमारे देश में कोई भी ऐसा नागरिक नहीं है जो इसमें इंक्लूड नहीं है। 18 से 65 साल की उम्र का जो भी नागरिक है वो इस स्कीम का फायदा है वो बेसिकली उठा सकते हैं। पहले जो एज थी वो इसमें थी 18 से 40, फिर 18 से 60 की गई और अभी रिसेंटली 18 से 65 के बीच में रखा गया है। उनको बेसिकली कम से कम 20 साल के लिए बेनिफिट यहाँ पे मिलता है।
तो ये फैक्ट हमें ध्यान रखना है अटल पेंशन योजना के बारे में। यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा था 2016 में और फिर भी पूछ सकती है, भरोसा नहीं है, तो हमें इसको बारे में भी ध्यान रखते हुए आगे चलना है। नेक्स्ट जो एक छोटा सा आर्टिकल या छोटी सी न्यूज आई है वो आई है डाटा सेट सर्च के बारे में। तो डाटा सेट सर्च है वो एक सर्च इंजन है। देखो जिस तरीके से हम जैसे गूगल का क्या होता है, गूगल जो ही हमको जैसे कि गूगल क्रोम वगैरह कोई भी हमने एक तरीके से एप्लीकेशन लॉन्च किया, उसके अंदर हमने गूगल टाइप किया तो फिर हमारे सामने एक सर्च इंजन खुल जाता है, उसके अंदर हम जूस भी टाइप करते हैं और फिर सर्च करते हैं। तो ये जो सारी प्रोसीजर होगी एक सर्च इंजन के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो अभी गूगल ने एक अपना नया सर्च इंजन बनाया है डाटा सेट सर्च के नाम से। इसका बेसिकली काम ये है कि जो भी साइंटिस्ट वगैरह होते हैं उनको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, रेफरेंस वगैरह कहाँ से क्या, तो उनको प्रॉपर डाटा है वो प्रोवाइड कराने के लिए बेसिकली ये सर्च इंजन है वो काम करेगा। तो यही ध्यान रखना है कि गूगल का बनाया हुआ है भाई, ऐसा नहीं है कि याहू वगैरह या किसी और कंपनी माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, तो वहाँ पे यूपीएससी थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है क्योंकि इंटरनेट का काम आ रहा है। तो मतलब 99% आप थोड़ा गूगल को लेके यहाँ पे थोड़ा तुक्का भी मार दोगे गलती से तो भी सही हो सकता है, बस थोड़ा फैक्ट हमें पता होना चाहिए। देखो एग्जाम में तुक्के भी तभी लगते हैं जब हमें कुछ ना कुछ थोड़े बहुत फैक्ट्स पता हो किसी चीज़ के बारे में। आंख बंद करने से कुछ नहीं होता है, बट बेसिकली हमें तुक्कों को अवॉइड ही करना है। हमें यही ध्यान रखना है फैक्ट्स के आधार पे कि हाँ भाई किस किस का है। तो अभी पता चल गया कि डाटा सेट जो एक नया सर्च इंजन है वो बेसिकली गूगल के द्वारा इंट्रोड्यूस है, वो किया गया है। जो भी साइंटिफिक कम्युनिटी है इसको डाटा शेयरिंग इकोसिस्टम प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि डाटा भी शेयर इसके द्वारा किया जा सकता है। इसके साथ ही काफ़ी अहम बात कहें कि जो भी साइंटिस्ट वगैरह उनको डाटा की जरूरत होती है कोई भी एक्सपेरिमेंट वगैरह के लिए, रेफरेंस वगैरह के लिए, बुक्स वगैरह की, डिजिटल बुक वगैरह, तो वो उनको इजीली यहाँ पे एक्सेस के थ्रू मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है इंटरनेशनल एविएशन समिट के बारे में। तो जो इंटरनेशनल एविएशन समिट है वो इस बार न्यू दिल्ली के द्वारा होस्ट है वो किया गया था। किस किस के द्वारा? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी के साथ ही इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर से होस्ट है वो किया था। इसमें काफ़ी सारी बातों भी डिस्कस की गई थी कि इंडिया के अंदर जो एविएशन सेक्टर है उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं, कैसे उनसे निपटना है, क्या क्या उसके लिए नए नए टारगेट हैं, उनको फोकस करते हुए आगे चलना है। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया का एविएशन सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, पूरे विश्व में बाकी कंट्रीज में जिस स्पीड से एविएशन सेक्टर बढ़ रहा है उससे ज़्यादा तेजी से इंडिया में बढ़ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि लगभग आगे आने वाले 10-15 सालों के अंदर इंडिया के अंदर जो एक तरीके से हमला हवाई यात्रा करने वाले लोग हैं उनकी संख्या लगभग 100 करोड़ से क्रॉस कर जाएगी क्योंकि एविएशन सेक्टर बहुत तेजी से बूम कर रहा है इंडिया में, काफ़ी अच्छा स्कोप भी है। तो ये काफ़ी सारी बातें हमें थोड़ा फैक्ट ध्यान रखना है। इसमें फोकस जो सबमिट हुआ था इसमें फोकस किया गया था कि भाई जो एयर क्वालिटी, जो एयर स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं उनके बारे में बातें की गई थी, इंडिया के सेक्टर्स में कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, इश्यूज वगैरह हैं, उन पर बेसिकली बातें वो की गई थी। तो यूपीएससी ये सब पीएचडी वाले बातें तो यहाँ पे नहीं पूछने वाली है। इसी के साथ एक छोटी सी यहाँ पे न्यूज और है इसी में, वो है नव निर्माण स्कीम। ये नव निर्माण स्कीम है, उसकी फुल फॉर्म है नेक्स्ट जनरेशन एयरपोर्ट फॉर भारत। ये बेसिकली इस बार के बजट में लॉन्च है वो की गई थी। इसका यही टारगेट है कि देखो भारत है वो जल्दी ही 1 बिलियन पैसेंजर के लिए मतलब प्रिपेयर, इंडिया को प्रिपेयर करना है ताकि 1 बिलियन जो पैसेंजर्स हैं उनको इंडिया टेकल कर सके, लिए उनके लिए एयरपोर्ट्स वगैरह वो पहले से डेवलप किए जा रहे हैं इसी के लिए। चलो आप ये बताइए कि दिल्ली में जो IGI एयरपोर्ट है इसके लिए एक दूसरा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जो उसकी हेल्प करेगा, मतलब जैसे सब्सिडरी एयरपोर्ट बनाया जा रहा है यूपी के अंदर, उसका नाम क्या है? काफ़ी न्यूज़ में रहा है वो एयरपोर्ट तो अभी रिसेंटली, उसके बारे में काफ़ी सारी न्यूज़ भी आई थी, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो दिल्ली का IGI एयरपोर्ट है इस पर लोड कम करने के लिए या ट्रैफिक कम करने के लिए एक नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, अभी उसकी बात कहाँ पे है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और उसका नाम क्या है बेसिकली। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की। देखो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है ये बेसिकली एक एयरलाइंस की ट्रेड एसोसिएशन है, मतलब एयरलाइंस है जो वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज की, उनका एक एसोसिएशन, उनका एक ग्रुप है जो कि एयरलाइंस की क्वालिटी वगैरह को इंश्योर करता है, उनके स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी पॉलिसी है, उन सबको फॉर्मुलेट करने का काम है वो इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो न्यूज आई है, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो आया है इंडियन ओशियन वेव एक्सरसाइज 2018 के बारे में। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछ सकती है वो यही है कि इंडियन ओशियन वेव एक्सरसाइज 2018 है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज्ड है, वो की गई थी। तो ये ऑर्गेनाइज्ड है वो बेसिकली की गई थी इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन के द्वारा जो कि यूनेस्को के बेसिकली अंडर है वो आता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है?
क्योंकि आपको बता दूं, जब इंडिया में 2004 के टाइम पे जो सुनामी आई थी, उससे आपको पता है कि तमिलनाडु और तमिलनाडु हुआ, अंडमान निकोबार हुआ, जो आप बोल सकते हो कि केरल का भी कुछ हिस्सा उसमें इंक्लूड था, इसी के साथ हम बात कर सकते हैं आंध्र प्रदेश था, इन हिस्सों में भारी तबाही मची थी और काफ़ी जान माल की हानि है वो हुई थी। तो उस दौरान जो स्टेप उठाए गए थे आपदा राहत के लिए सारे, वो बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन के द्वारा ही उठाए गए थे, IOC के द्वारा, जो कि यूनेस्को के अंडर है वो आता है। इसका काम बेसिकली ये है कि कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करवाना कंट्रीज के बीच में, ताकि मतलब उनकी कैपेसिटी को बिल्डअप है वो किया जा सके। तो अभी जो एक्सरसाइज होस्ट की गई थी IOWEW, मतलब इंडियन ओशियन वेव एक्सरसाइज 2018, इस एक्सरसाइज का मेन मोटो ये था कि इंडियन ओशन की जो कंट्रीज हैं वो इसके लिए कितना प्रिपेयर है, अगर फ्यूचर में यहाँ पे कोई भी डिजास्टर आता है, जैसे कि सुनामी वगैरह आती है, तो उसे निपटने के लिए तैयार है या नहीं है, क्या क्या उनमें कमियां, तो उनको एनहेंस या उनको चेक करने के लिए बेसिकली एक्सरसाइज है वो की गई थी। इंडिया और 23 कंट्रीज ने बेसिकली इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो ये तो रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। काम मैंने आपको बताया कि इंडियन ओशन में जो भी डिजास्टर आता है उसे निपटने की कैपेसिटी को देखने के लिए, इसके साथ ही सुनामी है उसको पहले से मतलब प्रिपेयर करना, सुनामी से निपटने के क्या क्या चैलेंजेस हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, इसी के साथ ही मरीन रिसर्च हुई और मरीन जो प्रोडक्ट हैं उनके सस्टेनेबल मतलब यूज के ऊपर फोकस है वो यहाँ पे किया जाता है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।